स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि श्री माता वैष्णो देवी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। साथ में दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो में न्यू स्टॉपेज के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देश भर में एक के बाद एक तेजी से वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने अयोध्या से एक साथ 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया था। कई मंत्रों के लिए भी वंदे भारत चलाई जा रही है, जिसमें से नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए चलने वाली ट्रेन भी शामिल है। इस ट्रेन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब नई वंदे भारत ट्रेन जो कि कटरा से नई दिल्ली के बीच चलती है, जिसका ट्रेन नंबर 22477/22478, अब ये ट्रेन कठुआ और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर ये जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बधाई हो उधमपुर कठुआ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। दोनों स्टेशन पर नियमित दैनिक ठहराव के आदेश जारी किए गए। जैसे कि स्थानीय लोगों के साथ मेरी बातचीत के दौरान वादा किया गया था कि धन्यवाद प्रधानमंत्री कटरा वैष्णो देवी नई दिल्ली रूट को एक नहीं बल्कि 2 वंदे भारत ट्रेनों को सौगात देने के लिए। वंदे भारत ट्रेनों पर केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस है। कल आने वाले अंतरिम बजट में भी लोगों की निगाहें वंदे भारत पर टिकी हुई है। वहीं इस साल सरकार ने 60 नई वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया है। पिछले साल 34 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। साल 2019 में पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। इसी रूट पर पिछले महीने भी एक और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। अब कई रूट्स पर 2-2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, जिससे यात्रियों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इन ट्रेनों से ना सिर्फ यात्रियों का समय बचता है, बल्कि उन्हें कम पैसे में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं भी मिलती है। कटरा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन 22477/22478 अब कठुआ और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इसको लेकर रेलवे ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस दौरान इन स्टेशन से टिकट की बिक्री पर नज़र रखी जाएगी, जिसके आधार पर स्टॉपेज को नियमित रखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जरूरी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।